इज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम रिव्यू करेंगे हिमालय नीम फेस वॉश आई नो ये प्रोडक्ट कोई नया नहीं है और बहुत सारे लोग इसे ऑलरेडी यूज कर चुके हैं होंगे और मैं खुद इसे चार से पाँच साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका इतना मैं यूज़ कर चुका हूँ तो एक रिव्यू किया जाए तो सबसे पहले मैं इसका प्राइस पॉइंट आपको बता देता हूँ तो ये वन नाइन्टी का है यहाँ पे मैंशन भी है आप देखिए और ये जो क्वांटिटी है इसकी ये नेट वॉल्यूम जो दो सौ की बॉटल आती है ये बेसिकली ठीक है तो ये एक बहुत अच्छा फेस वॉश है सबसे पहले तो शुरुआत में ये करना चाहूँगा क्योंकि चार से पाँच सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और दूसरा ये कि इसी जैसे जैसे जो हिमालय का नीम फेस वॉश है तो इसमें एक तो ट्यूब वाला आता है जो ट्यूब होती है और एक फोमिंग फेस वॉश भी आता है मतलब सेम यही चीज़ बस वो फोम में आता है और ट्यूब वाला मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा था काफ़ी सालों से तो कुछ समय बाद मुझे इसका पता लगा तो मैंने ये यूज़ कर लिया मैं फ़ोम वाला भी यूज़ एक बार कर चुका हूँ तो मेरी जो स्किन टाइप है वो ऑयली स्किन है और उसके लिए बहुत अच्छा है और अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई भी है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं और एज़ पर हिमालय कंपनी ये बेसिकली सारी जितनी भी स्किन टाइप है उनके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं सबसे अच्छी बात है इसकी जो बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हैं तो अगर ये जैसे साथ साथ आप यूज़ करते चलेंगे तो ये जैसे ख़त्म होता जाएगा तो आपको पता लगता रहेगा कि हाँ भाई खत्म हो रहा है तो हमें एक नया ले लेना चाहिए और ये नाव वाला मैंने आपको बताया कि मैं नाव वाला क्यों लिया था मैं आपको आगे बताता रहूँगा तो सबसे पहले मैं एक बार को ओपन उप, कर देता हूँ ताकि आप एक बार को देख कि ना नॉब से क्या फ़ायदा क्या रहेगा कैमरा फोकस नहीं कर रहा हाँ। तो ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ चलिए देखिए तो ये मैंने इसका प्लास्टिक जो है वो हटा दिया यहाँ से ठीक है तो आप देख रहे हैं इसका ग्रीन कलर है ऑब्वियसली नीम फेस वॉश है तो ग्रीन कलर में ही होगा और ये इसका एक नॉब है तो इस पर यहाँ पर डायरेक्शन भी होती है इसको आप मैं आपको करके दिखाता हूँ लेफ्ट राइट करेंगे तो ये आप इसको आ, मैं आपको डाल कर दिखाता हूँ उसके यहाँ पे तो जितनी एक बार आप प्रेस करेंगे उतना ही क्वांटिटी में आएगा तो गाइज आप जैसे देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी है और थोड़ा जो ये ना हार्ड है मतलब ऐसा नहीं बहुत है बहुत सॉफ्ट है कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मतलब अगर इसका अप्लाई पल, करेंगे स्किन पे तो एक अच्छी खासी लेयर इससे बन जाती है ठीक है तो मैं आपको एक बार अपना हाथ साफ करके मैं दोबारा प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ ठीक है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप जैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो जो इसका जब पाउच वाला पैक आता है उसमें ना स्पिल होने के चांसेस काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं बट इसमें ऐसा नहीं है इसका जो नॉब है आप इसको राइट साइड में रोटेट करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा तो आप देख सकते हैं अब ये लॉक हो चुका है तो ये स्पिल नहीं होगा तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है इसीलिए मैंने इसको लिया था साथ ही साथ मैं ये बता देता हूँ कि इसके अंदर दो इंग्रीडियंट्स हैं एक तो है नीम और दूसरा टर्मरिक जो जो नीम है वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है और टर्मरिक एक्ने और पिम्पल्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके बैक साइड पर यहाँ पर मैंशन है आप स्क्रीन रोक के आप इसको यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कुछ और भी केमिकल्स मैंशन है प्योरली हर्बल नहीं है बट और मेरे हिसाब से अगर मैं इसका यूजेज बताऊँ तो इसमें मैंशन है कि दिन में आप इसे दो बार यूज़ करें बट मैं इसे एक बार ही रिकमेंड करूँगा और एक ही बार मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ ऐसा नहीं कि आपकी स्किन इसे यूज़ करने के बाद कि ड्राई बिल्कुल नहीं होगी ड्राई तो ज़रूर होगी क्योंकि फेस वॉश है और यही इसका काम है बेसिकली तो इम्प्योरिटी को तो रिमूव uh, करेगा ही फॉर श्योर बहुत एक्सट्रीम ड्राई आउट नहीं करेगा मैं आपको बताना चाहूँगा पिंपल्स आपको नहीं होने देगा अगर आप पिंपल्स नहीं होने देगा अगर आप रेगुलरली यूज़ करें क्योंकि पिंपल होने का एक कारण ये भी है अगर आप कहीं बाहर से ट्रैवल करके आते हैं तो जस्ट अगर फेस पर रह जाता है क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ बाहर होती हैं और उस पर आप कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करें तो ऑब्वियसली वो एक आ, आपका पिंपल सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर देगा हाँ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा के लिए तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कामयाब है बट ये है कि पिम्पल्स आपको फर्दर नहीं होने देगा और पिम्पल्स अगर आपको कोई छोटा मोटा पिम्पल हो गया है और इसको रेगुलरली यूज़ करें उसको फर्दर आगे बढ़ने नहीं देगा और पूरा तरह से इसको रिमूव कर देगा तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हिमालय का उस वीडियो को मैं सम्पराइज़ करना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट अ डॉक्टर कि आप एक बार डॉक्टर को विज़िट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं तो उससे भी बहुत आपकी हेल्प होगी थैंक यू सो मच अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब थैंक यू